Hi guys, welcome to VNU Fun The Sit Family Vlogs. Wish you all a happy Women's Day. मैंने सोचा और कभी ब्लॉग आए ना आए, पर आज तो ब्लॉग आना जरूरी है क्योंकि वीमेंस डे है और मेरे चैनल पे तो ज़्यादा सब्सक्राइबर वीमेन ही है. बट अब मैं कौन सा बहाना लेकर आई हूँ कि ब्लॉग क्यों नहीं आया. तो बात ऐसी है कि देखो हमारे पीछे दीवार है. देखो पहले आप कुछ नज़र आ रहा है, कुछ नया नया सा लग रहा है. पहले मैं आपको दीवारें दिखाती हूँ. सो गाइज, ये दीवारें पेंट हो गई हैं. हम लोग बहुत बिजी थे, पेंट करा रहे थे क्योंकि वी डोंट वांट एनी मोर कि अनिका की जो क्रिएटिविटी है अब हमने ख़त्म कर दी है और प्रोफेशनल पेंटिंग हो चुकी है. अगर आप सामान देख रहे हो तो पूरा घर इससे भी ज़्यादा फैला हुआ था. इतनी बिजी थी कि बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था आप लोगों से बात करने का. तो ये गेस्ट रूम है, मेरा रूम अभी भी बहुत मैसी है. चलो चलते हैं ज़रा ड्राॅइंग रूम की तरफ और आपको ड्राॅइंग रूम दिखाते हैं. फ्रेंड्स, हम लोग ड्राइंग रूम में आ गए हैं और ये ड्राइंग रूम का कुछ लुक ऐसा है. अभी काम चल रहा है, काम ख़त्म नहीं हुआ. थोड़ा बहुत जितना हो गया था मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा दिया जाए कि घर में काम चल रहा है. और अभी सारी वॉल्स पे हैंगिंग्स और पेंटिंग्स आना बाकी है. तो अनन्या, अनिका सो रही थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर आप लोगों से ही बात कर ली जाए. तो ये हो रहा है. मेरा रूम अभी अंदर बिल्कुल भी रेडी नहीं है. अंदर अब भैया काम कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है घर का लुक? पीछे वॉल्स पे पेंटिंग्स अभी होनी बाकी हैं. तो भैया अभी मेरा रूम कर रहे हैं क्योंकि मैंने बोला कि पहले मेरा रूम कर दो, ये फाइनल टचअप्स वचअप्स सब बाद में देते रहना क्योंकि मुझे अपने रूम के अंदर जाना है. आई एम डन विद गेस्ट रूम. बस तो मैंने सोचा थोड़ी देर वीमेंस डे है और हम लोग सब वीमेन हैं तो थोड़ी देर आप लोगों से बात कर ली जाए आज. तो कैसा रहा आप लोगों का वीमेंस डे? मेरा वीमेंस डे पता है कैसा रहा है. मैं कल रात को भी सफाइयाँ कर रही थी, अब सुबह भी इतना मैसी इतना गंदा है तो बस उसी में ही लगी हुई थी. ऐसा कुछ हो रहा है और तैयार इसलिए हुई हूँ कि मेरी फ्रेंड्स ने एक गेट टुगेदर रखा है वीमेंस डे का. तो मैंने सोचा थोड़ी देर मतलब वहीं पर ही हो आती हूँ, कुछ एंटरटेनमेंट हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा. तो बस ऐसा ही मेरा प्लान है आज का. और मैंने शिवरात्रि का भी एक व्लॉग शूट किया था क्योंकि काम स्टार्ट हो गया था शिवरात्रि के नेक्स्ट डे ही, तो मैं उसका एडिट भी नहीं कर पाई. ये व्लॉग भी एडिट नहीं होने वाला है, बिल्कुल रॉ वर्जन आने वाला है. जैसे शूट हो रहा है सेम वैसे ही आपको दिखाया जाएगा. तो मैं आपको शिवरात्रि का व्लॉग भी भेजूंगी. हाय हाय, आप कैसे? मैं ठीक. ऐसे बोला, मैं ठीक हूँ मम्मा. आप कैसे? मैं ठीक हूँ मम्मा. तो व्यूअर्स को क्या बोलोगे आप? मस्ती कर रही है. आज क्या है नन्हे, आप बताओ. आज कुछ भी नहीं है. आज कुछ भी नहीं, मस्ती कर रही है. सच बताओ क्या है आज? आज हीरो की शिद्दे है, वुमेन्स डे है. वुमेन्स डे है? तो आप इतना सैड क्यों? आप भी तो वुमेन बनोगे बड़े होके. आप क्यों ऐसे क्यों बोल रहे? क्योंकि आपकी तो बच्ची ही रहूंगी ना. हाँ ये बात भी सही, मेरी तो बच्ची रहेगी बट वीमेन भी तो बनेगी बाबू. सो फ्रेंड्स, आपको नन्हे आप कैसी लग रही है? ये पहले से बेटर हो रही है और बेस्ट भी हो जाएगी. आज ब्लड टेस्ट कराया गया यहाँ पे. आप ब्लड टेस्ट रीचेकिंग करने के लिए कि इन्फेक्शन वगैरह कुछ रह तो नहीं गया है? सो दैट्स ऑल. और आप कोई एक ही बात कहना चाहूँगी कि ह्यूमन आर ब्लेस्ड टू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज, कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है, बहुत शक्ति होती है. तो क्यों ना अपने अंदर की जो सहनशीलता है, शक्ति है, टैलेंट है, उसका एक अच्छा यूज़ करें हम अपने जीवन में. कुछ अगर अभी तक नहीं हमने सीखा है और सीखना चाहते हैं तो ज़रूर हम उस चीज़ को सीखें, आगे बढ़ें, अपने बच्चों के लिए एक ऐसा मॉडल सेट करें कि बच्चे भी कहें कि वाह वाह हमारी मदर ने इस एज में आके कुछ नया सीखा, कुछ नया किया. तो और अपने को भी बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है दोस्तों अगर हम कुछ भी अच्छा करते हैं. तो मैं आप लोगों से सबसे यही कहूँगी वीमेंस डे पे, जो भी कुछ सीखना चाहते हो ज़रूर सीखो, आगे बढ़ो. तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द वीमेन आउट देयर. इन्जॉय योर डे, बहुत मस्ती करो, बहुत इन्जॉय करो, एक ही ज़िंदगी है. बाय बाय. अगर आपको अच्छा लगा आज का छोटा सा रॉ व्लॉग तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर अभी तक आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड आई होप टू कम अप विद अ वेरी नाइस व्लॉग वेरी सून. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.